खबर सामने आई है हुशियारपुर के मुहल्ला न्यू कलोनी तो जिथे अज सवेरे एक घर विच रौले की आवाज सुन के मुहल्ला वासी इकट्ठे हो गए। मामला सी व्याहुता की कुटमार का। इस बारे जदों पीड़िता साक्षी गोयल दे नाल गलबात की गई तो उसने कहा कि उसनू दहेज दे लई लंबे समय तो उसके सहुरे परिवार के वलों तंग परेशान किया जा रहा है ते अज एक बार फिर तो इसे दे चलदियां उसकी मारकुट की गई है। उसने अपने पति आशीष गोयल, सस सुषमल, सोहरा अनिल गोयल ते देवर मनीष गोयल दे उपर उस नाल बुरी तरह कुटमार करन दे दोष लगाए ने। उथे साक्षी ने दोष लगाया कि पुलिस नूं पहला भी कई बार इस मामले की जानकारी दी गई है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरा नाम साक्षी गोयल है। कदों ब्याह होया सी तुहाडा? मेरा 2016 में शादी हुई थी। आज क्या बात हुई? आज बात बहुत चल रही है। ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं तीन तीन चार चार दिन के लिए। और फिर कंप्लेंट मैंने बहुत ही रखी थाने वालों को, वो भी इनको अरेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। कहते हैं हमारी हर जगह पहुँचे, हम पुलिस में पैसे खिला देंगे, हमारे ऊपर तक पहुँचे, हम तो जाते हैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सर मैं यूपी की हूँ, मेरठ की, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आज बात ये हुई, मैं पीछे रहती हूँ, एक कमरा दे रखा है इन्होंने मुझे, उसमें इन्होंने आधी लाइट भी कटी हुई है मेरी, सिर्फ आधी लाइट चलती है। तो मैं उस कमरे में रह रही हूँ, ना कोई खर्चा पानी कुछ नहीं देते लोग मुझे, मेरे घर वाले मायके वाले उठा रहे हैं मेरा खर्चा। तो मैं पीछे एक कमरे में रहती हूँ, हाँ पीछे धूप नहीं आती, पीछे धूप नहीं आती, आगे धूप आती है। तो मैंने कहा, मेरी सास खड़ी थी बाहर ही, मैंने कहा मम्मी जी मैं थोड़ी यहाँ जगह में फैला देती हूँ, दो चार कपड़े गुड़िया के ठंड के हैं मोटे मोटे, ये सूख जाएंगे यहाँ पे। तो कहती तेरा यहाँ पे राज नहीं चलने का, ये हमारा घर है और यहाँ पे कपड़े नहीं फैलाने तूने। उसने मेरे सारे कपड़े ऐसे फेंक दिए मिट्टी में, सारे कपड़े उथल गए और पीछे से मतलब वो भी आ गए मेरे सास और मेरा ससुर भी आ गया, देवर भी आ गया, मतलब सब वो चारों मिल के मुझे, देवर, सास, ससुर और मेरा पति, मेरा हस्बैंड, वो चारों मिलके मुझे मारने लगे घटीट घटीट के, मेरा गला घोटने लगे बुरी तरह, मेरी मुक्के आंखों पे मेरे मुक्के मारे उन्होंने खींच खींच के, और मेरे पेट में पता नहीं उन्होंने क्या मारा, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, बहुत दर्द है मेरे पेट में, मेरी गर्दन मरोड़ी उन्होंने, हाथ मरोड़ा, ये देखो हाथों में निशान, उन्होंने बहुत मारा। दाज वगैरह की मांग भी करते हैं उनकी, यही मांग है उनकी, कहते कि तू यहाँ से, उनकी हिसाब के अकॉर्डिंग मैं अपने घर से दहेज नहीं लाई, कार नहीं लाई उनकी, जैसे मैं शादी होके आई थी ना उनकी कार में बैठती थी, कहते अपने बाप से पहले कार लेके हमारी कार में नहीं बैठना, अपनी माँ से कह कि कार देगी जब तू उस कार में बैठ सकेगी, मतलब मुझे इसलिए परेशान करते हैं कि तू अपने घर से दहेज नहीं लाई। अच्छा क्या, तो क्या चाहते हैं, मांग क्या करते हैं? वो मांग कहते हैं कि अपने घर से पैसे ला, गाड़ी ला, तुझे जब हम अपना लड़का देंगे, हमने अपना लड़का 31-32 साल पाला है, हम तुझे ऐसे थोड़ी ना दे देंगे अपना लड़का। तो वो ये कहते हैं कि हम अपने लड़का अपने पास रखेंगे, सिर्फ मैं अपनी छोटी सी बच्ची 4 साल की उसके साथ पीछे रहती हूँ कमरे में, और बस वो अपने लड़का अपने पास रखते हैं, वो नहीं भेजते। अभी क्या मांग है, क्या? मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ उन्होंने करा, जो इन्होंने मुझे मारा पिटा, मुझे इंसाफ चाहिए, पुलिस भी कुछ नहीं करती। उथे इस संबंधी जद मुहल्ला वासियों ने गलबात की गई तो उन्होंने दसिया कि वह साक्षी दी चीकां सुन के उसके घर के बाहर इकट्ठे हुए, जिथे आके उन्होंने वेख्या तो साक्षी नूं सड़क विच उसका सोहरा परिवार घड़ीस रहा सी, जिस नूं मुहल्ला वासियों ने रोकिया ते साक्षी दा बचा कीता। सुनीता जी कोहदे मल्ले रहंदे हो? न्यू कलोनी। अज की होया जिहड़ी ओह कुट्टी कुड़िया कुट्टी? अज मतलब ओह कपड़े सुकने पाण लगी सी, तो ओहदी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं पाने हैं कपड़े सुकने, ते ओह कहंदी कि पिछे सुकदे नहीं आ मेरे, कि बच्चे दे कपड़े सुकाने आ, वो दोनों आपस च उलझ गई हैं, तो अपना उन्हें कपड़े पाए, उन्हें तार तूर तोड़ देती, फिर उस तो बाद इन्हां दी लड़ाई हुई, फिर बेटा और इहदे हसबेंड ने जो भी मारिया इन्हां नूं लड़की नूं, फिर इन्हें अपने बचाव विच पिछे भज गई अपने पोर्शन च। हाँ वो घर के अंदर पिछे बैग ते कमरा अलग रहिंदी है, तो कमिटमेंट यह हुई सी कि 5,000 रुपया महीना देवांगे खर्चा और बच्चे की फीस देवांगे, लेकिन कुछ नहीं है। की हालात है इसलिए गुड़िया दे कुत्ते किन्ने के ज्यादा कुत्ते
काफी देखो थोड़े सामने ही है चोटा लगी है। पुलिस ने इत्तला दे दी थी। हाँ जी जी। की नाम है तेरे बिल्ली का? साक्षी। हाँ जी साक्षी कोल है साढ़े को लड़ाई झगड़े का केस है हसबेंड के नाल हुई इन्हें सट्टा है जी आप लिख दी है बाकी एक्सरे लिए रख ली है इंजैक्शन ला देने है दाखिल तो नहीं होना है उन्हें तो इस करके उपड़ी तो कर देना है हालत हाँ घंटे तक स्टेर हो जानी है वो जी इंजैक्शन लगाया वह कसरा आना है इसलिए ऑब्जरवेशन से रखा हुआ जी क्योंकि बाकी जो ठीक हो फिर भेजा जो नहीं हो फिर दाखिल कर लेंगे डॉक्टर रामबीर उथे सब घटनाक्रम की शिकायत पुलिस नूं दिती गई है मौके ते पहुंची पुलिस ने साक्षी नूं सरकारी हस्पताल हुशियारपुर विच पहुंचाया जिथे जेरे इलाज है हुशियारपुर तो हरजाप सिंह की रिपोर्ट साक्षी दी मारपीट दा मामला आया की है पूरा हाँ जी सर साक्षी दा सानूं एक 112 ते कंप्लेंट आई है ए साक्षी गोयल आ उहदी पत्नी आशीष गोयल दी असीं मौके ते गए सीगे ते देखिया उहदे कहिंदे मेरी मारपीट होई पई है फिर असी शामी वो बयान लैन गए थे तो उन्हें बयान दसिया सानू भी मतलब जाने कि मैं जो ठीक हो जाऊँगी तो मैं थाना सिटी आके अपने बयान दूँगी तो जो भी बयान मतलब जाने कि होने उन्होंने असी कार्रवाई की जाऊगी वो साक्षी दिया होर भी कई बार दरखास्त आई असी मौके पर जाके हल किया तो लेकिन हूँ जो भी वो बयान दूगी उत्ते अगली कार्रवाई की जाऊगी देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हमने प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ